जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि होलिका दहन 2021 में कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसकी पूजा विधि बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए घर में सुख शांति और धन समृद्धि के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। होली रंगों का त्यौहार है, इस दिन सभी लोग रंगों से सराबोर होते हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है। इस साल होलिका दहन 28 मार्च 2021 को होगी और होली 29 मार्च को होगी। होलिका दहन से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर आप होलिका दहन के दिन कुछ उपाय का प्रयोग करेंगे तो पूरे साल आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। होलिका दहन और पूजा करने का महत्व पुराणों में भी है। ऐसा माना जाता है कि होली की पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। होलिका दहन से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो होलिका दहन से पहले आपको आपके सभी परिवार के सदस्यों को हल्दी का उबटन सरसों तेल में मिलाकर पूरे बदन पर लगाना चाहिए। आपको बता दें कि इस साल होली पर कई विशेष योग बन रहे हैं जिससे होली का त्यौहार का महत्व और भी बढ़ गया है। इस साल होली के दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। इसके अलावा दो सबसे बड़े और अहम ग्रह शनि और गुरु होली के दिन मकर राशि में विराजमान होंगे, तो वहीं शुक्र और सूर्य दोनों ही मीन राशि में रहेंगे। मंगल और राहु वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति के चलते ही इसे ध्रुव योग कहा गया है। इस बार होली सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगी और इसके साथ ही होली पर अमृत सिद्धि योग भी बनेगा। होलिका दहन इस बार जैसा कि मैंने बताया 28 मार्च को रहेगा और इस दौरान भद्रा का साया नहीं होगा। पंचांग की माने तो भद्रा पुच्छ 28 मार्च को सुबह 10:13 से 11:16 तक रहेगी और भद्रा मुख 28 मार्च की सुबह 11:16 से दोपहर 1 तक रहेगा। चूंकि भद्रा दोपहर में समाप्त हो जाएगी इसलिए शाम को होलिका दहन बिना भद्रा के पूर्ण होगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ आपको बता दें कि 28 मार्च 2021 को सुबह 3:27 पे हो जाएगी। वहीं पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 मार्च 2021 को रात 12:17 तक होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 28 मार्च को शाम में 6:37 से रात 8:56 तक रहेगा। कुल अवधि 2 घंटे 20 मिनट की रहेगी। आपको बता दें कि होलिका दहन की रात्रि में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना लाभकारी होता है। जीवन में दुखी लोग सुंदरकांड का पाठ अवश्य करते हैं। शनि की 7.5 या शनि की महादशा से प्रभावित लोग शनि के बीज मंत्र का जाप करें एवं हनुमान जी की विधिवत पूजा आराधना करें। इस दिन होलिका दहन के बाद घर आकर भी पूजा घर में एक दिया जरूर जलाएं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि होलिका दहन के दिन भूल कर भी सुनसान वाले जगह पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही होलिका दहन को सास और बहू मिलकर एक साथ भूल कर भी ना देखें, खासकर नई नवेली दुल्हन। इसके साथ ही मैं बता दूं कि होलिका दहन जब होते रहे तो महिलाओं को चाहिए कि अपना सिर हमेशा ढक कर रहे जितने देर तक होलिका दहन होते रहे, होलिका पूरी तरह से जल ना जाए। साथ ही साथ होलिका दहन के दिन सफेद खाद्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। होलिका की राख को घर में अवश्य लाना चाहिए और इसे चांदी की डिबिया में भरकर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। साथ ही साथ होलिका की राख को घर के चारों दिशाओं में छींटने से घर की नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती है। और साथ ही साथ होलिका दहन की राख को आप अपने माथे पर लगाएं, इससे रोग दूर होता है। होलिका दहन पूजा की विधि क्या है, तो होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा करने वाले जातकों को होलिका के पास जाकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री जिसमें कि जल, रौली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, साबुत, मूंग, गुलाल और बतासे, साथ ही नई फसल यानी गेहूँ और चने की पकी बालियाँ। इसके बाद होलिका के पास ही गाय के गोबर से बनी ढाल रखें, साथ ही गुलाल में रंगी मौली ढाल और खिलौने से बनी 4 अलग अलग मालाएं रखें। इसमें पहली माला पितरों के लिए, दूसरी पवनसुत हनुमान के लिए, तीसरी माँ शीतला के लिए और चौथी माला परिवार के नाम से रखी जाती है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेटा जाता है। यह परिक्रमा आप अपनी श्रद्धानुसार 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। इसके बाद जल अर्पित करें, फिर अन्य पूजन सामग्री चढ़ा कर होलिका
चढ़ाकर होलिका में अनाज की बालियां डाल दें। तो ये एक पूजा की विधि थी। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों की पूजा की विधि अपनी अलग अलग होती है, आपके क्षेत्र में जैसे पूजा होता है वैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।